ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनकी कंडीशन अब स्टेबल है, घबराने की कोई बात नहीं। भैया भाभी को क्या हुआ? हाँ, हम जब बस ट्रिप में गए थे तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। किसी ने उन्हें हर्ट किया क्या? कौन था? कोई चोर, बदमाश? नहीं बेटा, कभी कभी अपनों का व्यवहार बाहर वालों के वार से ज्यादा चोट दे जाता है। करने वाले ये नहीं सोचते कि आज जो वो दूसरों के साथ कर रहे हैं वही अगर एक दिन उनके किसी अपने के साथ होगा तो क्या होगा। लवकुश, तुम लोग जाओ यहाँ से, चेंज करो और जाके सो जाओ। क्या कहना चाहती हैं आप? चूंकि हमारी बेटी आपकी बहू है तो आपकी बेटी की हर जायज नजायज हरकत को हम बर्दाश्त करें? ऐसा किसी ने नहीं कहा है सुहासिनी जी। भाभी माँ के कहने का मतलब ये था कि आज जो आपने नायरा के साथ किया वो बिल्कुल सही किया। एक झूठी और मक्कार लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। दादी प्लीज, आप भूल रही हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं। वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और ये बात मुझे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जो किया आपने उसके साथ उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता था, इसके बारे में एक बार सोचा आपने? इससे और बुरा क्या होगा किट्टू, जो ये लड़की पहले कर चुकी है। हमारा तो खून खौल रहा था फिर भी हमने उसे एक मौका दिया अपनी सफाई देने का। कहाँ दिया दादी, आपने तो बस इल्जाम लगा दिया और सजा दे दी। एक बार उसकी सुनती तो ये सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई होती। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेरे आने का इंतजार तो कर ही सकती थी ना आप। इस पूरे मैटर में मेरा भी कुछ कहने का अधिकार है या नहीं है? किट्टू बेटा, हमने जो किया वो तुम्हारे लिए तो किया। नहीं दादी, मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया, अपनी इज्जत अपने समाज के लिए किया। अगर मेरे बारे में सोचा होता तो मेरी नायरा का साथ दिया होता आपने। जो इंसान मुझ में और मेरी नायरा में फर्क करे वो मेरा वेलविशर कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर इस पूरे सिचुएशन में नायरा की जगह मैं होता तो भी आपका रिएक्शन यही होता? मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो देती ना। हमने भी दिया तो किट्टू, अब बार बार क्या वही बात सुनते रहे जो कानों में शीशे की तरह घुलती है। तुम होगे महान किट्टू, तुम्हें मंजूर होगा ये सब, हमें नहीं है। कहां से होगा दादी, आपने तो मान लिया कि नायरा ही गलत है। चलो ठीक है, मान लेते ये बात सच, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि जिसकी माफी नहीं हो सकती? जिस इंसान को आप दोषी ठहरा रही है, हो सकता है कि उसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, उसी को किसी ने चीट किया हो, किसी ने धोखा दिया हो। आपको अबॉर्शन के नाम से तकलीफ हो रही है ना, उसके बारे में सोचा आपने? जिसके साथ ये हुआ होगा उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। उसकी तकलीफ को समझने के बजाय, उसे सिंपति देने के बजाय उसे और हर्ट कर रही है। क्यों, किसने? क्योंकि वो लड़की है, बहू है। अगर आपका बेटा या बेटी होते तो भी आपका यही बर्ताव होता? खैर, इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी। आपको जो फैसला लेना है जल्दी ले लीजिए। फैसला? कैसा फैसला करते? कि नायरा इस घर में रहेगी या नहीं।
मेरी पत्नी का सम्मान मेरी जिम्मेदारी है और उसके लिए अगर लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन फैसला लेने का हक आप लोगों का है और वो हक मैं आप लोगों से नहीं छीनूंगा, क्योंकि मेरी नजर में हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, फिर चाहे उसका नाम सुहासिनी गोयनका हो या नायरा नायर। इंतजार कर रहा हूं दादी आपके जवाब का, क्योंकि अगर नायरा को आप घर से बाहर निकाल रही हैं तो मुझे हम दोनों के लिए कोई जगह दिखनी होगी। कार्तिक तुम ये क्या कह रहे हो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हाँ कार्तिक, माँ ने उस वक्त गुस्से में थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर चले जाओगे। अखिलेश बिल्कुल ठीक कह रहा है कार्तिक, अभी इस बात को यहीं खत्म करते हैं, कभी ठंडे दिमाग से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम जब हो रही होती है तभी उसका सलूशन ढूंढना जाता है, वरना वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अगर उस वक्त भी आप में से किसी ने भी दादी को रोका होता या कुछ कहा होता तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं दादी। नायरा इस घर में इज्जत के साथ रह सकती है या नहीं? आराम करने देते हैं। हाँ चले कार्तिक, अगर कुछ भी जरूरत हो तो बुला लेना। से पूछा क्यों नहीं? अब बताने लायक कोई बात होती तो तुमने मुझे खुद ही बता दी होती, बस यही सोच के। अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी होती तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स ओके नायरा, शादी का मतलब मजबूरी नहीं होती, बाकी रिश्तों की तरह इस रिश्ते में भी स्पेस होना चाहिए। अब देखो मैंने भी तो तुमसे बात छुपाई ना वो राघव के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। सॉरी, मुझे पता है कि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, पर फिर भी मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की, मुझे तुम पे भरोसा रखना चाहिए था। मत रो, शायद मुझसे कोई कमी रह गई होगी, पर एक बात का मुझे पूरा यकीन, मुझे तुम पर 100% भरोसा। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो तुम्हें सवाल करता या फिर अपने यकीन पे यकीन करता, और मैंने दूसरा ऑप्शन चुना है, और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। अरे तुम रो क्यों रही हो नायरा? क्या हुआ नायरा, बोलो ना क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो और तुम मुझे बता नहीं रही? देखो प्लीज बता दो, ऐसा कुछ भी है तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा नायरा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूरा सच नहीं बताया किसी को, जो तुमने सुना वो आधा सच है।
तो फिर पूरा सच क्या है कार्तिक वो? नहीं, एक मिनट नहीं। नहीं, पानी पियो। नहरा तुम आराम करो अब आराम करो ये सारी बातें कल भी हो जाएगी अब सो जाओ प्लीज कोई बात नहीं आराम करो नहरा तुम्हें आराम की जरूरत है क्या कहलाता है।